हेलो बच्चों दिस इज़ मी महिमा और आज मेरे साथ हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर नाइन ये वर्कशीट ट्वेंटी ऑफ जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी वन के लिए है हम सामाजिक विज्ञान भूगोल के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है कृषि बहुत ही मज़ेदार टॉपिक दिया गया है कृषि बहुत ही ईजी है इंटरेस्टिंग है अगर आप इसे इंटरेस्ट लेकर पढ़ते हैं तो कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है अगर आप कृषि की दृष्टि से देखेंगे तो भारत एक महत्वपूर्ण देश क्यों है आपने सुना भी होगा कई बार कि भारत कृषि प्रधान देश है तो कृषि प्रधान का प्रधान का मतलब होता है कि प्रमुख मतलब यहाँ पे प्रधानता है सबसे ज़्यादा कृषि होती है पहले हमारे देश में सेवेंटी परसेंट लोग कृषि में ही लगे थे यानी कि पहले देश की जो पूरी जनसंख्या थी उसमें से सत्तर प्रतिशत लोग जो थे वो खेती यानी कृषि करते थे अभी ऐसा नहीं है सिचुएशन थोड़ी चेंज हो गई है इसकी आधी से अधिक जनसंख्या कृषि कार्यों में संगलन है यानी कि भारत की आधी से ज़्यादा जनसंख्या जो है वो कृषि कार्यों में जुड़ी हुई है कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है यानि कृषि एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे खाने के लिए अनाज यानि खाद्यान्न पैदा होता है खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है यानी कि खाद्यान्नों के सिवा भी कच्चा माल भी बनाती है कृषि इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों जैसे चाय कॉफ़ी मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है यानी हमारे देश में आपने देखा काफ़ी मात्रा में चाय कॉफ़ी मसाले सबसे ज़्यादा मसाले हमारे देश के जो मसाले मसाले हैं वो बहुत ही मशहूर हैं और बहुत सारे देशों को हम मसाले सप्लाई करते हैं तो निर्यात करने का मतलब होता है हमारे देश का सामान जब हम दूसरे देशों को बेचते हैं तो उसे कहते हैं निर्यात करना और जब भी हम कोई सामान किसी दूसरे देश से खरीद कर अपने देश में लाते हैं उसे कहते हैं आयात करना ठीक है तो चाय कॉफ़ी और मसाले का निर्यात किया जाता है आगे देखते हैं प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि कृषि के प्रकार ठीक है ये क्या दिया गया है कृषि के प्रकार तो कृषि के क्या क्या प्रकार होते हैं सबसे पहले है प्रारंभिक जीवन निवारा कृषि यानी कि बहुत सारे किसान जो हैं वो जीवन निर्वाह के लिए कृषि करते हैं इसलिए खेती करते हैं कि खेती से जो अनाज पैदा होता है उसी को खाकर वो जीवित रहते हैं और अपना जीवन निर्वाह करते हैं मतलब जीते हैं अपनी जिंदगी को जीते हैं यानी कृषि ही उनकी आप कर सकते हो कि उनका लाइफ जो है वो कृषि पर ही डिपेंडेड है दूसरे होते हैं रोपण कृषि कौन सी होती है रोपण कृषि तीसरी होती है गहन जीविका कृषि कौन सी होती है गहन जीविका कृषि और लास्ट वन इज वाणिज्य कृषि नाम से ही पता चल रहा होगा ना वाणिज्य वाणिज्य का मतलब क्या होता है व्यापार से संबंधित यानी कि बिजनेस के परपस से जो लोग कृषि करते हैं उसको वाणिज्य कृषि बोलते हैं चलिए आगे देख लेते हैं इसके बारे में प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि यानी कि जीवन निर्वाह कृषि क्या है प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों द्वारा ठीक है प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर यानी कि छोटे छोटे जो खेत होते हैं छोटी छोटी ज़मीनें होती हैं और उस पर आदिम कृषि औजार जैसे कि लकड़ी के ठीक है और खुदाई के लिए छड़ी या परिवार अथवा समुदाय समुदाय मतलब जब ग्रुप में लोग मिलकर करते हैं समुदाय श्रम की मदद से की जाती है यानी कि जहाँ पर आज भी कृषि के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया जाता है पुराने जो प्रारंभिक टाइम के जो उपकरण थे उनका प्रयोग किया जाता है और लोग खुद मतलब परिवार के लोग खुद मिलकर मेहनत करते हैं कृषि करते हैं उसको प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं इस प्रकार की कृषि प्राय मॉनसून मृदा की प्राकृतिक उर्वरकता फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है क्योंकि ऐसी कृषि में बहुत ज़्यादा लागत नहीं लगाई जाती है तो मॉनसून के पानी से सिंचाई होती है इसलिए ये मॉनसून पर निर्भर करती है मृदा की मृदा मतलब मिट्टी और प्रा, प्राकृतिक उर्वरता यानी कि मिट्टी की जो प्राकृतिक मतलब अपने आप से मिट्टी कितना उपजाऊ होती है उस पर निर्भर करती है एक होता है मिट्टी अपने आप से उपजाऊ होती है दूसरा होता है प्राकृतिक तरीके से मिट्टी को उपजाऊ बनाना और तीसरा होता है केमिकल से मिट्टी को उपजाऊ बनाना ठीक है केमिकल मतलब जिसमें फ़र्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है और प्राकृतिक तरीकों से मतलब कि जिसमें गोबर की खार या इस टाइप की चीज़ें इंक्लूड करके मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाई जाती है और तीसरा प्राकृतिक मतलब अपने आप जैसे मिट्टी उपजाऊ हो जाती है ठीक है एक फसल को काट के थोड़े टाइम के लिए फ्री छोड़ देना और उसके बाद अगली फसल उगाना जिससे कि मिट्टी का मॉइस्चर वापस आ जाए ठीक है तो ये सारी चीज़ें यूज होती हैं कौन सी प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि में आगे देख लेते हैं यह है कृतन दहन प्रणाली कृषि है इसको क्या बोलते हैं ये प्रणाली कृषि है जिसको हिंदी में स्लैश एंड बर्न कृषि भी बोलते हैं इसके अंतर्गत किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तब किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं तो स्लैश एंड बर्न कृषि का मतलब आप समझे क्या होता है कि जमीन जैसे जंगल वगैरह है उसको जला दिया जाता है और जमीन को खाली करके या काट के जमीन को साफ कर दिया जाता है ठीक है और उस साफ जमीन पर खेती यानी कृषि की जाती है और उसी कृषि से जो फसल उगती है उसी से जीवन जिया जाता है यानी कि जीवन निर्वाह किया जाता है और जब बार बार फसल उगाने से उस जमीन का उपजाऊपन खत्म होने लगता है तो उस जगह को खाली फिर से छोड़ दिया जाता है और फिर वो लोग क्या करते हैं किसी दूसरे जंगल में जाते हैं वहाँ उसको साफ़ करते हैं और वहाँ कृषि करते हैं ठीक है टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं अपने रहने की जगह को और अपनी कृषि प्लेस को चेंज करते रहते हैं उसी को स्लैश एंड बर्न कृषि कहा जाता है आगे देख लेते हैं गहन जीविका कृषि नेक्स्ट कौन सी है गहन जीविका कृषि इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है ठीक है यानी जिन क्षेत्रों पर जिस भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है उन वहां पर क्या होता है वहां पर कैसी कृषि की जाती है गहन जीविका कृषि की जाती है यह श्रम गहन खेती है जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है ठीक है तो गहन जीविका कृषि में क्या होता है श्रम गहन खेती होती है यानी कि इस पे किसानों को मेहनत करनी पड़ती है और साथ में ज़्यादा उत्पादन हो यानी फसल ज़्यादा पैदा हो उसके लिए कई तरह की रासायनिक निवेश हो यानी कि खाद खरीदना पड़ता है निवेश का मतलब पैसे इन्वेस्ट करना यानी कि कुछ चीज़ें खरीद के उसमें लगाना पैसे से खाद खरीदेंगे इसी को बोलते हैं रासायनिक निवेश तो रासायनिक निवेश एंड सिंचाई ठीक है इसके सिवा सिंचाई का भी इस्तेमाल करके ज़्यादा फसल उगाई जाती है उसे गहन जीविका कृषि कहते हैं आमतौर पर ज़्यादातर लोग गहन जीविका कृषि ही आजकल करते हैं आगे बात करते हैं वाणिज्यिक कृषि की ये व्यापार के उद्देश्य से जो कृषि की जाती है मैंने अभी आपको पहले बताया था उसे वाणिज्यिक कृषि कहते हैं इस प्रकार की कृषि के, के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने के लिए बीजों रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है तो वाणिज्यिक कृषि वो कृषि होती है जिसमें किसान बहुत सारी फसल एक बार में उगाता है और थोड़ी फसल अपने यूज़ के लिए रख के बाकी सारी बेचकर उनसे पैसा कमाता है उसे वाणिज्यिक कृषि बोलते हैं वाणिज्यिक कृषि करने के लिए आपको पता है पैदावार यानी उत्पादन अधिक चाहिए तो अधिक उत्पादन करने के लिए किसान क्या करता है उन्नत किस्म की बीज यानी कि अच्छे किस्म की बीजों का प्रयोग करता है रासायनिक उर्वरक यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करता है और कीटनाशकों यानी कि उस पर जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं उनके लिए दवाइयाँ छिड़कनी पड़ती हैं उसे कीटनाशक बोलते हैं ठीक है ठीके? एक तरह की मेडिसिन होती है तो कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त किया जाता है तो ऐसी मतलब इन चीज़ों का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार की जाती है ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जाता है कृषि के वाणिज्यिकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है यानी कि कुछ देशों में कुछ राज्यों में या कुछ जगहों पर ऐसा है कि वाणिज्यिक कृषि बहुत अच्छे स्तर पर होती है कुछ जगह बहुत ज़्यादा प्रयास किए जाते हैं पर बहुत अच्छे स्तर पे नहीं हो पाती तो सभी जगह अलग अलग है क्योंकि आपको पता है हमारे देश में हर जगह की मिट्टी के प्रकार अलग अलग है तो इसीलिए कृषि के प्रकार भी अलग अलग है उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्यिक वाणिज्य की एक फसल है परंतु उड़ीसा में यह एक जीविका फसल है तो जैसे कि हरियाणा और पंजाब में वाणिज्य फसल कौन सी है चावल और उड़ीसा में जबकि ये कौन सी है जीविका फसल है जैसे कि कुछ जगहों पे कुछ चीज़ें उस चीज़ों की प्रधानता होती है वो चीज़ बहुत ज़्यादा उगती है ठीक है तो ज़्यादा उगती है तो लोग क्या करते हैं उसको सेल भी करते हैं बेचते भी हैं और कुछ जगह ऐसी होती है कि जहाँ पर वो फसल उगती ही नहीं है बहुत कम मात्रा में उगती है तो उस राज्य के या प्रदेश के लोग उसको अपने लिए उगाते हैं ठीक है बेचने के उद्देश्य से नहीं उगाते हैं आगे बात करते हैं रोपण कृषि की रोपण कृषि कौन सी होती है रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि होती है यानी कि ये भी वाणिज्य के पर्पज से ही उगाई जाती है इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है यानी कि बहुत बड़ी जमीन पर सिर्फ एक ही फसल उगाई जाती है रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है व्यापक मतलब बड़े क्षेत्र में की जाती है जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है यानी कि इस खेती को करने के लिए पैसा भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है और मजदूर भी बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है यानी इससे जो भी फसल प्राप्त होती है उसको किसान स्वयं ना यूज़ करके कच्चे माल के पर्पज़ से पूरा का पूरा बेच देता है भारत में चाय कॉफ़ी रबड़ गन्ना केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपर फसल है तो आपको पता है चाय कॉफ़ी रबड़ गन्ना किसके लिए ज़्यादातर बेचनों के लिए ही उगाई जाती है तो ये थी आज की हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट आई डोंट नो कितने बच्चों को ज्योग्राफी अच्छी लगती है या नहीं लगती है बट आई रियली लाइक इट तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था चलिए देखते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर और क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं पहले वो देख लेते हैं तो आज हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं तीन प्रश्न नंबर एक है यदि आप एक किसान होते तो आप किस प्रकार के कृषि का कार्य करने में संगलन होना पसंद करते और क्यों यानी कि आपको कौन सी कृषि अच्छी लगती इनमें से और आप कौन सी कृषि करना चाहते नंबर दो है गहन जीविका कृषि के महत्व पर एक नोट लिखिए गहन जीविका कृषि का क्या महत्व हमारे देश में उसके बारे में लिखना है और प्रश्न नंबर तीन मैंने आपको बताया था गहन जीविका कृषि हमारे देश में अत्यधिक लोगों द्वारा की जाती है प्रश्न नंबर तीन है वाणिज्यिक कृषि एक गहन जीविका कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए तो ये है हमारे आज के सभी तीनों प्रश्न चलिए शुरू करते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर तो देख लेते हैं आज के सभी प्रश्न और उनके उत्तरों को आज का पहला प्रश्न है यदि आप एक किसान होते तो आप किस प्रकार के कृषि का कार्य करने में संलग्न होना पसंद करते और क्यों यानी कि अगर आप किसान होते तो आप कौन से किसानी करना पसंद करते हमने फोर टाइप्स ऑफ कृषि पढ़ा है तो आप कौन से पसंद करते मैंने अपनी चॉइस का लिखा है आप अपनी चॉइस का भी लिख सकते हैं यदि हम किसान होते तो हम रोपण कृषि में संलग्न होना पसंद करते क्योंकि रोपण कृषि एक बड़े भूभाग पर की जाती है और अधिक उत्पादन किया जाता है रोपण कृषि द्वारा हम अधिक से अधिक उत्पादन और निर्यात करके देश की आर्थिक स्थिति में सुधार करने में अपना सहयोग दे सकते हैं आपको पता होना चाहिए कि जब कोई भी देश अधिक से अधिक निर्यात करता है तो उस देश का जो जीडीपी होती है वो बढ़ती है उस देश की डेवलपमेंट बढ़ती है और वो देश जो है वो आगे से तरक्की करता है बात करते हैं प्रश्न नंबर दो की गहन जीविका कृषि के महत्व पर एक नोट लिखिए गहन जीविका कृषि के बारे में लिखना है गहन जीविका कृषि भारत के एक बड़े भूभाग पर की जाती है ये उन स्थानों पर की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है इस प्रकार की कृषि में अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों तथा सिंचाई के साधनों का प्रयोग किया जाता है बात करते हैं तीसरे प्रश्न की आज का तीसरा प्रश्न और अंतिम प्रश्न क्योंकि आज तीन ही प्रश्न पूछे गए थे वाणिज्यिक कृषि और गहन जीविका कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए ठीक है उत्तर देख लेते हैं वाणिज्यिक कृषि और गहन जीविका कृषि पहला पॉइंट है इस प्रकार की कृषि में अधिक निवेश तथा अधिक उत्पादन किया जाता है गहन जीविका कृषि इस प्रकार की कृषि में जनसंख्या का दबाव अधिक होने के कारण अधिक उत्पादन करने का प्रयास किया जाता है नंबर दो पॉइंट वाणिज्यिक कृषि में अधिक से अधिक आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है यानी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और गहन जीविका कृषि गहन जीविका कृषि में कुछ आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है किया इसमें भी जाता है आजकल तो आपको पता है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हर जगह यूज़ की जा रही है लेकिन सभी जगह तक पूरी तरीके से ये टेक्नोलॉजी पहुंच नहीं पाती है और कुछ किसान ऐसे होते हैं जिनके पास फाइनेंशियली इतना मतलब सपोर्ट नहीं होता है जिसकी वजह से आज भी कुछ किसान जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पाते हैं थर्ड पॉइंट की बात करते हैं जो कि लास्ट है लास्ट पॉइंट भी है वाणिज्य कृषि में अधिक उत्पादन अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है और गहन जीविका कृषि में uh, गहन जीविका कृषि में अधिक उत्पादन अधिक जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है तो ये है हमारे आज के सभी प्रश्न और उनके उत्तर आई होप आपको समझ में आए होंगे यदि आपको समझ में आए हैं वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे आप हमसे जुड़े रहें और हम आपकी सहायता करते रहें मैं हूं महिमा और आपसे लेती हूं विदा जल्द ही मिलूंगी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ